कैसे हो आप लोग? और अभी बच्चे लोग अभी ट्यूशन पढ़ रहे हैं और घर में हम लोग से एक सेकेंड। और बच्चे लोग क्या करते हैं ना कि हमसे हम मतलब हम लोग से बच्चे लोग नहीं पढ़ाई करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि 2 घंटा के लिए अब ट्यूशन रखती हूँ और मंथली 2000 देना पड़ेगा। तो देखती हूँ, बच्चे लोगों को तो पढ़ाना ज़रूरी है। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और अभी 2 बज रही है और बच्चे लोग ही पढ़ाई कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाई कर रहे हैं। मैं हेलो फ्रेंड, मैं फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे प्रीति झारखंड व्लॉगर में। और मैं अभी दोपहर को देखिए पिक्कल बना रही हूँ, ये बम्बू की पिक्कल, और इसकी सब्जी भी बना रही हूँ। तो ये देख लीजिए, आप लोग की तो जान परिचय की चीज़ ही है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बट जो झारखंड में वो तो पक्का जानते होंगे कि ये बम्बू की सब्जी बनाई जाती है, पिक्कल बनाई जाती है। तो देखिए, सब्जी के लिए मैं यहाँ पे मसाला निकाली हूँ, और ये पीसने के लिए टमाटर और प्याज, और ये देख लीजिए मैं इसे चॉप कर दे रही हूँ और यहाँ पे भून दे रही हूँ पिक्कल बनाने के लिए। ये देखिए बारीकी जो ऐसी दिख रही है, तो इसको मैं भून रही हूँ पिक्कल बनाने के लिए। तो 7 से 8 मिनट, 10 मिनट भून सकते हो, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है तो थोड़ा पिक्कल ख़राब हो सकती है, इसके चलते ही मैं भून रही हूँ। और बारिश का धूप भी देख लीजिए कितना ज़्यादा है, तो ये सूख जाएगी 1 घंटा लगभग, क्योंकि बहुत बारीक की हुई है। और मैं इसमें मसाला ऐड कर दूँगी सूखने के बाद। तो ये देख लीजिए मसाला, ये है धनिया पाउडर, ये है करौंजी, मंगरेला अजवाइन, ये है मेथी का पाउडर और ये है काली मिर्च, जीरा का पाउडर और ये देखिए सौंफ, ये मिर्ची पीसी हुई और ये देखिए सरसों। ये सारा जो धूप में डाला हुआ था ये सूख गया है, और इसकी मसाला भी तैयार, और ये सारी मसालाएं तैयार हो चुकी है। और ये सब मिक्स करके, ये देखिए ये नमक है, तो ये देखिए मेरे ये बम्बू की पिक्कल तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसे धूप में रख दूंगी, 8 से 10 दिन तक धूप में ये रहेगी। और ये देखिए डब्बा में, नहीं तुम लोग मत आओ छत पे, अभी बहुत धूप है। कुछ आफ्टरनून, ये 12:30 बज रही है और मेरी अचार तैयार हो चुकी है और बहुत ज़्यादा धूप है, आँख खोलने का तो मन ही नहीं कर रहा है, इसको धूप में रख दे रहे। ये अचार तैयार हो गई है बांस की, तो अब ये 8 से 10 दिन धूप में रहेगी, उसके बाद खाया जाएगा इसका मसाला, तब टेस्टीदार लगेगा। बहुत ज़्यादा धूप है, ये देखिए कितना तीखा धूप है। तो ये देखिए अभी शाम हो चुकी है, मतलब रात हो चुकी है, और ये धूप से हटाकर डब्बा में पैक कर दी हूँ। तो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मेरी छोटी सी वीडियो। और देखिए फिर से नेक्स्ट डे ये मैं धूप में रख दे रही हूँ, तो आप भी बनाइए और खाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय। Thank you.